हेलो दोस्तों, टेक इन फॉर चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फ्यूचरिस्टिक मोबाइल का कंपैरिजन, मतलब 5G मोबाइल कंपैरिजन, जिसमें से पहला मोबाइल है जो कि अप्रैल 2022 को मार्केट में लॉन्च किया गया है, सैमसंग M33 5G, और दूसरी तरफ है OnePlus का One Note 2 5G जिसको ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो अंत तक बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा दोनों ही मोबाइल्स के प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड ऑल डिटेल्स अलोंग विद माय फाइनल रेटिंग, सैमसंग M53 5G वर्सेस OnePlus Note 2 5G। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। सैमसंग M53 5G का थिकनेस है 7.4 mm, वेट है 176 ग्राम, और साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर कीज देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड, OnePlus Note 2 5G का थिकनेस है 8.2 mm, वेट है 189 ग्राम, और साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर कीज देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद अलर्ट स्लाइडर। सैमसंग M53 5G 2 कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है डीप ओशन ब्लू और मिस्टिक ग्रीन, और OnePlus Note 2 5G 3 कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल है ब्लू हेजे, ग्रे सायरा और ग्रीन वुड। दोनों ही मोबाइल्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन में वैसे खासा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन सैमसंग M53 5G थोड़ा सा थीनर एंड लाइटर है एज कम्पेयर टू OnePlus Note 2 5G। नाउ डिस्प्ले डिटेल्स। सैमसंग M53 5G का डिस्प्ले साइज है 6.7 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD प्लस SAMOLED, मतलब सुपर AMOLED इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। ऑन दी अदर हैंड, OnePlus Note 2 5G का डिस्प्ले साइज है 6.43 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD प्लस फ्लूइड AMOLED पंच होल डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 90Hz। यहाँ पे देखा जाए तो सैमसंग M53 5G का डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू OnePlus Note 2 5G। बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है अलॉन्ग विद 25 वॉट चार्जर। वहीं पे OnePlus Note 2 5G में हमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है अलॉन्ग विद 65 वॉट। यहाँ पे सैमसंग M53 5G में हमें 5000 mAh की बैटरी, जो कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू OnePlus Note 2 5G, लेकिन चार्जर स्पीड बहुत ही बढ़िया है OnePlus Note 2 5G का एज कम्पेयर टू सैमसंग M53 5G। और आज के डेट में देखा जाए तो सबको फास्ट चार्जर की ही रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ बॉडी डिटेल्स। सैमसंग M53 5G प्लास्टिक बॉडी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जिसको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड, OnePlus Note 2 5G ग्लास बॉडी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, और यहाँ पे भी हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। दोनों ही मोबाइल्स के बॉडी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इज अ प्लस पॉइंट फॉर OnePlus Note 2। नाउ हार्ट ऑफ द मोबाइल हार्डवेयर। सैमसंग M53 5G में हमें 2.4 GHz 6nm ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंततः स्कोर है 4.75 लाख प्लस। वहीं पे OnePlus Note 2 5G में हमें 3.0 GHz 6nm ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 1200 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंततः स्कोर है 5.4 लाख प्लस। हार्डवेयर के हिसाब से देखा जाए तो बात साफ साफ है कि OnePlus Note 2 5G बहुत ही आगे है एज कम्पेयर टू Samsung Galaxy M53 5G, क्योंकि MediaTek Dimensity 1200 5G प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू MediaTek Dimensity 900 5G। नाउ सॉफ्टवेयर। Samsung Galaxy M53 5G Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, वहीं पे OnePlus Note 2 5G Android 11 Oxygen OS 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। यहाँ पे हमें OnePlus Note 2 5G में Android 12 मिल जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सिम एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो Samsung Galaxy M53 5G में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है अलोंग विद USB Type-C, 3.5 mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। ऑन दी अदर हैंड, OnePlus Note 2 5G डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ आता है अलोंग विद USB Type-C, UFS 3.1, 3.5 mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। अदर डिटेल्स में देखें तो Samsung Galaxy M53 और OnePlus Note 2 ये दोनों ही 5G मोबाइल्स है, और दोनों ही मोबाइल्स में हमें ऑलमोस्ट सारे सेंसर सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक है, लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरोमीटर एंड इकम्पास। दोनों ही मोबाइल्स के अदर डिटेल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैमरा डिटेल्स। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेंस, 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस, और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, OnePlus Note 2 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल मोनो लेंस, और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स अब मैंने आपको बता दिए है, अब देखते हैं दोनों ही मोबाइल्स के कॉमन फीचर्स क्या क्या है। 5G FHD प्लस AMOLED पंच होल डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 32 मेगापिक्सल सेल्फी फ्रंट कैमरा, USB Type-C, 3.5 mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन।
ये तो थे दोनों ही मोबाइल्स के कॉमन फीचर्स। अब देखते हैं दोनों मोबाइल्स के प्राइसेस क्या क्या हैं। तो प्राइसोमीटर फटाफट से हमें दोनों ही मोबाइल्स के स्टार्टिंग प्राइसेस बता दीजिए। ये देखिए दोनों ही मोबाइल्स के स्टार्टिंग प्राइसेस अब हमारे स्क्रीन पे है। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 26,499, जिसका रैम वर्जन है 6GB 128GB। वहीं पे OnePlus Nord 2 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 27,999, जिसका रैम वर्जन है 6GB 128GB। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G के सेकंड वर्जन का प्राइस है 28,499, जिसका रैम वर्जन है 8GB 128GB। एंड OnePlus Nord 2 5G का सेकंड वर्जन जो कि 8GB 128GB का है, उसका प्राइस है 29,999। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में हमें थर्ड वर्जन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन OnePlus Nord 2 5G में हमें थर्ड रैम वर्जन मिल जाता है जो कि है 12GB 256GB और जिसका प्राइस है 34,999। ये तो थे दोनों ही मोबाइल्स के प्राइसेस। अब देखते हैं कंक्लूजन। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में हमें 6.7 इंचेस बिग डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 5000mAh बैटरी, एंड्रॉइड 12, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 2 5G। और OnePlus Nord 2 5G में हमें 3.0 GHz प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 1200, 65W सुपर चार्ज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, UFS 3.1 एंड NFC, ये सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनल वेरडिक्ट। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही मोबाइल्स एक दूसरे के लिए कांटे की टक्कर है। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में हमें 6.7 इंचेस बिग डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, ऐसे दमदार फीचर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रोसेसर के मुकाबले सैमसंग गैलेक्सी M53 पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord 2 5G। वैसे देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स अपनी अपनी जगह पे प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप फोटोग्राफी के लिए कोई मोबाइल देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M53 5G के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट अगर गेमिंग है तो आप OnePlus Nord 2 5G के साथ ही चले जाइए, ऐसी मेरी राय है। आपको क्या लगता है कौन सा वाला मोबाइल अच्छा है और क्यों है, कमेंट करके बताना मत भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, टेक इन्फोजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हंसते रहिए, मिलते रहिए, अपनों के साथ टाइम बिताते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।